नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, जिनका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है, परीक्षा जो देने जा रहे हैं परीक्षार्थी, उन परीक्षार्थियों के लिए हमारा वीडियो है, जिसमें कुछ बातों को बताया गया है जो कि फॉलो करेंगे तो परीक्षा के समय बहुत ही हेल्प करेगा, मदद करेगा, ठीक है। और परीक्षा देने से पहले इन बातों को आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो चलते हैं हम अपने वीडियो में। तो इससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो परीक्षार्थियों के लिए ध्यान देने योग्य बातें, तो अगर परीक्षा देने के लिए आप जा रहे हैं, आपकी परीक्षा है, ठीक है, तो आपके लिए ध्यान देने के लिए इसमें कुछ बातें हैं और इसको आप लोग फॉलो करिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो पहला है, देखिए, नया पढ़ने से बचें। जैसे अभी तो नया पढ़िए, अगर ज़्यादा दिन समय अगर ज़्यादा है तो आप नया पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे कल एग्ज़ाम है और आज नया न पढ़ें, अगर कल एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं तो आज नया पढ़ने की कोशिश न करें, ठीक है। आप उस चीज़ को मतलब फिर से पढ़ें, दोहराएं, रिवीजन करें, जो आप पढ़ चुके हैं, जो आप पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन करें। अगर नया पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो नया तो परीक्षा के समय तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि प्रेशर रहता है, इसलिए नया अगर पढ़ेंगे तो नया तो तैयार नहीं कर पाएंगे और जो पुराना पढ़े हैं वो भी नहीं, रिवीजन वो भी नहीं कर पाएंगे और आपका नंबर उतना अच्छा नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसलिए जितना पढ़ चुके हैं उतना आपके लिए बहुत है, उसको रिवीजन बढ़िया से कर लें, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा क्या है, दूसरा है जिस दिन परीक्षा है उस दिन अधिक ना पढ़ें। कहने का मतलब जिस दिन परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, मतलब जैसे सुबह आपका एग्ज़ाम है तो सुबह बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश न करें, बस थोड़ा सा एक नज़र देख सकते हैं जो आप अपना नोट्स है या जो भी बुक्स है, बुक्स तो पढ़ नहीं पाएंगे, विद्या क्वेश्चन बैंक होगी और जो भी आप पढ़ने के लिए लिए होंगे उसको एक नज़र देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अतिरिक्त दबाव हो जाएगा, प्रेशर में हो जाएंगे आप और अच्छा नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम, ठीक है, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन अगर पढ़ेंगे तो सब मतलब खिचड़ी हो जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है दिमाग पर। उस दिन आपको फ्री थोड़ा फ्री रहना होगा, फ्री माइंड, ऐसा कोशिश करें कि आपका दिमाग थोड़ा फ्रेश रहे, ठीक है। अपना दिमाग फ्रेश करके एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे और अपना पेपर देंगे, ठीक है। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है, आत्मविश्वास रखें, सब अच्छा ही होगा, ठीक है। आत्मविश्वास रखें, कहने का मतलब खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप मेहनत किए हैं, आप असफल नहीं होंगे, आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा, और अपने ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं तो आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं क्या है, अस्पष्ट लिखावट। अगर आप हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हैं या इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इसमें आपकी राइटिंग भी बहुत मायने रखती है, ठीक है। हाई स्कूल की परीक्षा अगर देने जा रहे हैं तो आपकी अगर राइटिंग अच्छी है तो उस पर भी नंबर
मिलता है, नंबर उससे बढ़ता है, ठीक है। इसलिए चाहे हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे इंटर की, कहने का मतलब यूपी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आप राइटिंग पर, लिखावट पर भी विशेष ध्यान देंगे। अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पष्ट लिखावट होनी चाहिए, जो आप लिख रहे हैं उसको आसानी से पढ़ा जा सके, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग नहीं बन रही है तो जो आप लिख रहे हैं उस स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग बनती है तो आप बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे, राइटिंग बनाकर लिखेंगे तो इस पर भी नंबर मिलता है, इस पर नंबर बढ़ता है। हाई स्कूल में तो राइटिंग पर बहुत, मतलब नंबर राइटिंग पर मिलता है हाई स्कूल में, और इंटर में भी मिलता है, ठीक है। तो हाई स्कूल के लिए तो राइटिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अति लघु उत्तरी तथा दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को आवश्यकता अनुसार कम अथवा अधिक लिखें। इसका क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब अति लघु उत्तरी अगर है तो उसको कम लिखना है, बहुत कम लिखना है, एक से दो लाइन में लिखना है, एक डेढ़ लाइन में, दो लाइन में इसको पूरा करना है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी का मतलब उन्हें पता नहीं होता है, अति लघु उत्तरी प्रश्न आ गया तब पर भी वो एक पेज लिख देते हैं, दो पेज, तो इससे क्या मतलब है? अति लघु उत्तरी है तो वो कम नंबर का है, तो कम लिखना है आपको, ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर नहीं मिल जाएगा, ठीक है। और लघु उत्तरी जो है, लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी से ज़्यादा लिखा जाता है, कहने का मतलब आधा से एक पेज लिख सकते हैं इसको, ठीक रहेगा इतना लिखेंगे। और दीर्घ उत्तरी, दीर्घ उत्तरी का मतलब होता है विस्तृत उत्तरी भी कहते हैं इसको, मतलब जो विस्तार से लिखते हैं, ठीक है। तो विस्तृत उत्तरी को सबसे ज़्यादा लिखा जाता है, विस्तृत उत्तरी। देखिए अति लघु उत्तरी को आप एक से दो लाइन में लिखेंगे, लघु उत्तरी को आधा से एक पेज में लिख सकते हैं आप, अच्छा रहेगा। और दीर्घ उत्तरी यानी विस्तृत उत्तरी को कम से कम तीन या चार पेज में लिखना ही होगा आपको, इससे अधिक भी लिख सकते हैं, लेकिन तीन चार पेज लिखेंगे तो ठीक रहेगा। और इसमें कुछ ज़रूरी बातें, महत्वपूर्ण बातें इसमें होती हैं जो जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो देखिए कौन सी बातें हैं, तो कम से कम तीन या चार पेज में तो लिखना ही है, और हेडिंग का प्रयोग करना न भूलें। इसमें हेडिंग विस्तृत उत्तरी में हेडिंग आपको ज़रूर डालना है, और एक मतलब जितना ज़्यादा हेडिंग डाल सकें डालेंगे तो अच्छा रहेगा ब्लैक पेन से, ठीक है। दो चार हेडिंग डालेंगे, छह हेडिंग डालेंगे, मतलब प्रश्न के हिसाब से डालेंगे हेडिंग, ये नहीं कि जिसमें हेडिंग कम है उसमें भी आप हेडिंग बनाने लगेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। और मतलब प्रश्न के हिसाब से आप हेडिंग उसमें ज़रूर डालेंगे। और एक दूसरा पॉइंट है, विस्तृत उत्तरी के लिए आवश्यकता अनुसार कोटेशन भी लिखें। अगर कोटेशन हिंदी जैसे है तो हिंदी में कोटेशन भी लिख सकते हैं, अगर कोटेशन आता है तो लिखना होगा आपको, इससे नंबर बढ़ता है क्योंकि देखने में भी अच्छा लगता है और नंबर इससे भी बढ़ता है, ठीक है। कोटेशन और हेडिंग का प्रयोग करना आप न भूलें, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, जो इसमें हम आप लोगों को बताए हैं, अगर इसको फॉलो करेंगे तो हमें विश्वास है कि आप सभी का नंबर अच्छा आएगा। और अच्छा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग मेहनत किए हैं और मेहनत का फल अच्छा ही होता है, मीठा होता है, तो आप लोग मेहनत किए हैं, अच्छा आएगा आपका मार्क्स। और खुद पर भरोसा रखिए और डरने की बात नहीं है, आपको डरिए मत, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं इसी तरह के और वीडियो में, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।